प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था. क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि हम उसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सके, हमारे डिजायर उसमें एड कर सके और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें मिल सके. यानी वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है जिसकी वजह से हमें डिजायर जो जीन है हमारा उसकी भी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है. आज इस वीडियो के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप के क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे प्लाज्मिड की. क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर तीन क्लोनिंग वेक्टर हैं जिनको हमें स्टडी करना है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर. तो क्लोनिंग वेक्टर जो है इसमें फर्स्ट हमारा है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड जो है 1952 के अंदर सबसे पहले जो लेडरबर्ग थे उन्होंने इसे बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फॉर्म में ऑब्जर्व किया. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है उसका खुद का जो क्रोमोसोम होता है ओरिजिनल डीएनए उसके पास होता है, ओरिजिनल क्रोमोसोम उसके पास होता है, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है एंड दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड. यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं प्लाज्मिड का ही एक डायग्राम है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो प्लाज्मिड जो होता है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. यानी बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये बैक्टीरिया का ओरिजिनल क्रोमोसोम है एंड दिस इज द प्लाज्मिड. तो आपने देखा ये भी डीएनए है जो कि ओरिजिनल डीएनए है बैक्टीरिया का और ये जो प्लाज्मिड है ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. अगर हम प्लाज्मिड को निकाल भी दें बैक्टीरियल सेल से तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसका खुद का डीएनए उसके पास प्रेजेंट है जो उसकी खुद की ग्रोथ के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है. तो फर्स्ट कैटेगरी इसकी फर्स्ट जो क्वालिटी है इसकी क्या है, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. दूसरा इट इज सर्कुलर, आप देख रहे हैं ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है एंड स्पाइरल होता है. यहाँ पर अभी हमने स्पाइरल यहीं से बनाया है, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे तो इस तरीके से आप इसे स्पाइरल बनाएंगे. इसकी जो नेचर होती है वो स्पाइरल होता है. तो आप देख रहे हैं इट इज सर्कुलर है, स्पाइरल है और तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये डबल स्ट्रैंड होता है. कंटेन ओराइल क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल साइट होती है जिसे ओराइल बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये साइट वो होती है जहां से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. आपको पता है कि प्लाज्मिड खुद रेप्लिकेट हो सकता है, एक के बाद एक अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, तो कहाँ से इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी. तो वो एक विशेष प्रकार का स्पेशल साइट होता है जैसे कि इस वाले प्लाज्मिड में मैंने यहाँ पर ओराइल लिखा हुआ है. तो ये जो स्पेशल आप जगह देख रहे हैं यहाँ से इसमें दूसरा प्लाज्मिड बनना स्टार्ट होगा, यानी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. इसलिए हम इसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जिस जगह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कंटेन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है उसमें कम से कम एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए. ये रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, विशेष प्रकार के चिन्हित स्थल होते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें प्लाज्मिड में क्या करना है, हमारा डिजायर जीन को जोड़ना है तो उसको कट करना पड़ेगा. तो कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने होंगे. तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पेशल अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी साइट जहां पर होती है उसी जगह से वो कट करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसके अंदर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, यानी वो साइट जहां से हम इसे कट करेंगे. और वो कौन कट करेगा, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे, जब उन्हें वो साइट मिलेगी रिकॉग्निशन उसको पहचानेंगे वो और वहीं से कट लगाएंगे. नेक्स्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लाज्मिड होता है अगर आप इसे निकाल भी लेंगे तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसकी ग्रोथ, उसका सर्वाइवल, किसी भी चीज के लिए प्लाज्मिड की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि उसके पास खुद का अपना एक क्रोमोसोम है ओरिजिनल, ये एक्स्ट्रा होता है. इसके अलावा मार्कर जीन प्रेजेंट, मैंने पहले भी आपको क्लोनिंग वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था कि मार्कर जीन इसके अंदर जरूर होने चाहिए, कम से कम एक मार्कर जीन, क्योंकि मार्कर जीन से हमें ये पता लगता है कि किस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड पहुंच गया है, किसमें नहीं पहुंचा है. यानी यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश
ट्रांसफॉर्म सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, जिसमें चला जाएगा वो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो ही सेल हमारे लिए काम की है। तो ये मार्कर जीन जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स होते हैं ये। जैसा कि अभी मैं आपको जब ये क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको मैं ये मार्कर जीन के नाम बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन हमें याद होना चाहिए कि ये किसके लिए यूज होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स के बीच में डिफरेंस देते हैं, जिससे कि हम उन्हें सेलेक्ट कर सकें। ये जो प्लाज्मिड्स है इनके अंदर कितने लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें जो जीन्स होते हैं वो कितने होते हैं नंबर के अंदर। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जो 3 से लेके 1000 तक जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 3 से लेके 1000 जीन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे इस प्लाज्मिड के अंदर, यानी कितने जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसमें डिजायर जीन जोड़ेंगे वो किस जगह से जोड़ेंगे। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ प्लाज्मिड, जो कि एक प्लाज्मिड के अंदर क्वालिटीज होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो एक प्लाज्मिड आपको दिया हुआ है, ये प्लाज्मिड है, इसका नाम है बेटा, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है प्लाज्मिड PBR3 double, ये इसका नाम है। P से प्लाज्मिड है, B से बॉलीवर एंड R से रोड्रिग्वेज। बॉलीवर रोड्रिग्वेज जिन्होंने ये सबसे पहले बनाया था, इस प्लाज्मिड को आर्टिफिशियली बनाया गया था, तो इसे नाम दिया है PBR, यानी प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिग्वेज 3 double 2। और ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है देखिए, इसके अंदर जो AMPR और TETR दे रखे हैं, ये दोनों ही रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस जीन हैं, ये किसका काम करते हैं यहाँ पर, मार्कर का काम। MPR एंड टेट्रासाइक्लिक R, ये दोनों ही यहाँ पर मार्कर जीन का काम कर रहे हैं। ये दोनों ही मार्कर जीन हैं जो ये हमें बतलाएंगे कि ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा, यानी जिस सेल के अंदर हमारा डिजायर जीन चला गया, प्लाज्मिड चला गया है वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और जिसमें नहीं गया है वो नॉन ट्रांसफॉर्म होगी। तो मार्कर जीन का यहाँ पर इस तरीके से यूज होता है। इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PSTL, EcoR first, BAN H1। ये जो साइट आपको दिख रही है इट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट, ये रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट के नाम से जानी जाती है। और ये वो साइट होती है जहां पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा, जहां पर भी जो नाम लिखा हुआ है उसी तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर कट लगाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है EcoR first, तो EcoR first क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो कट इस जगह पर लगाएगा। अगर हम यूज कर रहे हैं PSTL तो वो यहाँ पर कट लगाएगा। इफ वी आर यूजिंग BAN H1 तो वो यहाँ पर कट लगाएगा। हमें बहुत सारी साइट यहाँ पर दे रखी है, टोटल PBR3 double 2 में 12 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है और 2 मार्कर जीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 12 रिकॉग्निशन साइट का मतलब है हम यहाँ पर 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हमें 1 ही यूज करना है। अगर हम EcoR first यूज कर रहे हैं तो हम एक ही इसको यूज करेंगे, हम एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज करते हैं तो पूरा प्लाज्मिड हमारा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। तो याद रखिए हमें फैसिलिटी दे रखी है, यहाँ पर 12 की फैसिलिटी है कि आप 12 जितने भी अणु हमने यहाँ पर 3 या 4 रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, तो उनमें से हम कोई भी एक को यूज कर सकते हैं, बाकी आपको करना एट ए टाइम एक ही है। तो ये हमारा प्लाज्मिड है। अब देखिए प्लाज्मिड का मतलब क्या है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिजायर जीन को एड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है छोटा सा, इसको आप देखिए ध्यान से कि किस तरीके से हम डिजायर जीन को यहाँ पर जोड़ते हैं। सपोज हमारा ये फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है, यानी इसके अंदर आपका जीन है डिजायर, जैसे मैंने आपको बताया था ल्यूसीफेरिन वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इस डिजायर जीन को आपको कहाँ जोड़ना है, इस प्लाज्मिड के अंदर, ताकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाए, इसका रेप्लिकेशन हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले हमें प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा, है ना, प्लाज्मिड को कट करके हमें उसे बिल्कुल लीनियर करना होगा, सीधा करना होगा। तो ये फॉरेन डीएनए है और ये हमारा प्लाज्मिड है, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और इस प्लाज्मिड को भी कट किया और इस डीएनए में से जो डिजायर्ड जीन होनी चाहिए उसको कट कर दिया। तो यहाँ पर आप जो सेकंड वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसको मैं स्पेशली यहाँ बना रही हूँ कि जो हमारा प्लाज्मिड है देखिए वो क्या हो चुका है, जो हमारा प्लाज्मिड है वो कट हो चुका है, कट करके हमने इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया, सीधा कर दिया है। और यहाँ पर देखो आपको TATT बेस पेयर नजर आ रहा है और इस जगह पर कट लगाया तो यहाँ पर हमारे को TTA बेस पेयर नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लाज्मिड। अब हमने फॉरेन डीएनए जो हमने लिया जी उसको भी हमने यहाँ पे देखा,
इसमें भी हमने कट इस तरीके से लगाया है। यहाँ पर देखिए जो टी ए ए है वो बेस पेयर यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा टी ए ए, इन दोनों को। अब ये तो प्लेजमेंट है, ये हमारा डिजायर जोन है, इन दोनों को छोड़ना है यानी इसको हमें इस प्लेजमेंट के अंदर एड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी डीएनए का कटिंग होती है तो ये स्पेशल तरीके से कट करता है, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्पेशल तरीके से कट करता है ताकि एक स्ट्रैंड के बेस पेयर दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर से अटैच हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का कट लिंक हुआ है, ऊपर का पार्ट हमने हटा दिया है और जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है उसमें बेस पेयर तीन नजर आ रहे हैं आपको, ए टी। अब ऊपर वाले पार्ट पर आपको पता है ए के साथ हमेशा क्या एड होगा, टी, टी के साथ क्या होगा ए, टी के साथ क्या होगा ए। ये जो पार्ट देख रहे हो आपके ऊपर वाला वो एज इट इज इसके ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाएगा, यानी अब ए के साथ देखिए टी ए ए, इस तरीके से ये अटैचमेंट हो गया। ये तो एक साइड वाला है ना, ये वाला साइड यहाँ पर एड होगा, सेम इज ये वाला साइड जो है वो इस साइड पर एड होगा। तो हम इस वाले डिजायर जोन को देख रहे हैं, यहाँ टी टी ए है तो ये ए ए टी, ये वाला जो पार्ट है वो इस पर अटैच हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे वापस से हम इसमें एंजाइम डालेंगे जो वापस से इसको क्या बना देगा, सर्कुलर बना देगा। और इस तरीके से आपके डिजायर जीन जो है वो आपने यहाँ पर इस प्लेसमेंट के अंदर देखिए इस तरीके से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने प्लाज्मिड को क्यों यूज किया है, रेप्लिकेशन प्रोसेस करवाने के लिए डिजायर जीन का। तो ये फॉरेन डीएनए से हमारा डिजायर जीन हमने कट कर लिया, इस तरीके से हमने प्लाज्मिड को भी कट कर दिया, बिल्कुल लीनियर कर दिया है। और इनके बेस पेयर को इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर और इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर एड करके प्लाज्मिड में ये डिजायर जीन आ चुका है। अब आपका ये प्लाज्मिड जो है इसमें डिजायर जीन आ चुका है, अब इसको क्या करना होता है, हमें होस्ट सेल के अंदर डालेंगे ताकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी होना शुरू हो जाए। और जैसे ये कॉपी होगा तो देखो इसमें आपका जीन भी आ चुका है, इस जीन का भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी भी कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगा। वही हमारा एम था, प्लाज्मिड को हमने क्यों यूज किया है, क्लोनिंग वेक्टर, ताकि हमारा जो भी डिजायर जीन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाए। तो प्लाज्मिड हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, सेकंड हमारा क्लोनिंग वेक्टर है वो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज सेकंड क्लोनिंग वेक्टर है, इसको भी हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक तरह का वायरस है, ये एक वायरस होता है जो किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे, ठीक है, ये किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे। तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, द वायरस विच अटैक द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो इस वायरस के साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिजायर जीन भेज सकते हैं, ये भी एक तरह के क्लोनिंग वेक्टर का वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे को एग्जाम्पल याद रखना है, एक तो लैम्डा फेज और एक M30, ये दो बैक्टीरियोफेज है जिनका हम यूज करते हैं इसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं, लैम्डा फेज और M30। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, बैक्टीरियोफेज क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इसमें हम लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डिजायर जीन जोड़ सकते हैं, डिजायर जीन जोड़ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 24 किलोबाइट बेस पेयर, इतने बेस पेयर का जो हमारा डिजायर जीन है उसको हम कहाँ जोड़ सकते हैं, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जोड़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है बैक्टीरियोफेज की, क्यों हम इसको यूज करते हैं, वो इसलिए कि प्रोड्यूस प्लैंक एरिया which is very important for testing purpose. Testing purpose के लिए ये बहुत important होता है कि जब आप test करते हैं bacterial culture में, जब हमें ढूंढना होता है कि हमारा virus किस जगह पर हमारा desired gene present है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, special spaces आ जाती है, जगह white white spots सा नजर आ जाता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर इस जगह पर हमारा डिजायर जीन है। और वो जो स्पेस आता है उसे हम प्लेक एरिया बोलते हैं। तो इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि टेस्टिंग हमारी इजी हो जाती है, हमें अगर पता लगाना है कि हमारा डिजायर जीन किस जगह पर आया है तो इस प्लेक एरिया से हम पता लगा सकते हैं। और ये सिर्फ हमें कहां, बैक्टीरियोफेज के अंदर ही मिलेगा। तो बैक्टीरियोफेज को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि
कि बैक्टीरियोफेज के अंदर एक तो लार्ज सेगमेंट ऑफ डिजायर जीन को हम जोड़ सकते हैं जो कि 24 केबी का होता है और ये प्लेग एरिया प्रोड्यूस करता है जिससे कि टेस्टिंग क्या हो जाती है, टेस्टिंग इजी हो जाती है। तो ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल बैक्टीरियोफेज की, लेकिन अगर हमने यहां पे दो एग्जांपल लिए तो लेप्टा फेज और एक M30, लेकिन इनमें से भी जो बेटर होता है क्लोनिंग वेक्टर वो कौन होता है, लेप्टा फेज। इसके पीछे भी रीजन है कि लेप्टा फेज क्यों है बेटर, लेप्टा फेज को ही हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं। एक तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया पर ये अटैक करता है। फर्स्ट उसकी क्वालिटी क्या है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और आप जानते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हम नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैम्डा फेज शुड बी easily removed। अगर हमें यहाँ पर desired gene को जोड़ना है तो हम कितना बड़ा part desired gene का जोड़ सकते हैं, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम ज्यादा से ज्यादा desired gene को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वो तब भी होगा जब हम इसके extra parts को हटा दें। तो इसमें ये speciality होती है कि इसका extra part हटाया जा सकता है। और तीसरी important जो quality है इसकी lambda phase की, वो ये होती है कि ये लीनियर और डबल स्ट्रैंड होता है, ये लीनियर एंड डबल स्ट्रैंड होता है। इसका क्या फायदा है, देखो डबल स्ट्रैंड तो है ही हमारे पास, क्योंकि डबल स्ट्रैंड ही होगा तो हमें दूसरे फॉरेन डीएनए को इसमें जोड़ने में आसानी रहेगी, और लीनियर होना फायदेमंद है क्योंकि इससे पहले हमने यूज किया था प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड होता है सर्कुलर, तो जब भी आप उसमें फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे तो उसे आपको लीनियर करना होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस और कंबर्सम प्रोसेस हो जाता है, अगर हमें लीनियर ही डीएनए मिलेगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमें लैम्डा फेज के अंदर। लैम्डा फेज के अंदर ये फायदा है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है इसका वो लीनियर ही होता है, ताकि हम इजी वे में डिजायर जीन को यहाँ पर जोड़ दें। तो हमने दो क्लोनिंग वेक्टर स्टडी किए, फर्स्ट प्लाज्मिड एंड सेकंड बैक्टीरियोफेज, जिसको एज ए हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे तीसरा हमारा क्लोनिंग वेक्टर, जो कि है कॉस्मिड्स को हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से होते हैं, वो भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज करते हैं।